हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आपको करा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड इट्स एक्सप्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है? इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूँ या इसको एक्सपेंड करूँ और इसको वापस छोड़ूँ तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, तो उसकी वजह से यानी एक्सपेंड करने की वजह से या कंप्रेस करने की वजह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो यहाँ मुझे इसका एक्सप्रेशन करना है, तो एक्सप्रेशन के लिए पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग थ्रू dx, dx डिस्टेंस तक इसको स्ट्रेच करने हैं। पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं, तो जो dw है वो किसके बराबर होगा बच्चों? ठीक है, माइनस के एफ इंटू dx के बराबर, क्योंकि इसको जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं वो इधर कर रहे हैं, डिस्टेंस इधर मूव कर रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग थ्रू dx अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एफ डी एक्स के बराबर। और अगर हम बात करें फ्रॉम हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो माइनस का एफ है वो के एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? के एक्स डी एक्स के बराबर। ये हमने निकाला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालें तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे w इक्वल्स टू के एक्स डी एक्स, और ये जीरो से x तक इसकी लिमिट है, तो k कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई टू आ जाएगा और जीरो से x लिख देंगे, उसके बाद k पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस k, ठीक है, x बाई k बाई टू मैंने बाहर ले लिया, लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो का स्क्वायर, तो जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ गया? वन बाई टू के एक्स स्क्वायर के बराबर। और यही वर्क डन इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे, वह आ जाएगा वन बाई टू के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसमें ग्राफ और आ जाता है। अगर मैं ग्राफ देखूं पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का एंड टोटल एनर्जी का, तो हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है वो के एक्स स्क्वायर के और वो वेलोसिटी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला ग्राफ बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास। तो इसका जो ग्राफ है, इधर हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एनर्जी है, ये हमने ओरिजिन माना। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने स्प्रिंग को यहाँ पर खींचा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, कनेक्ट तो है नहीं, और जैसे को छोड़ूंगा तो धीरे धीरे यहाँ मेन पोजीशन पर आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, तो ऐसे ऐसे क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पर इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी इन वाले पॉइंट्स पर मैक्सिमम है। और हाइपरबोला हम इसको बनाते हुए सॉरी पैराबोला इसको बनाते हुए ऐसे इसका, ये मेरे पास x, ये माइनस का x हो जाएगा, और ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की कर्व आ जाएगी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की कर्व है डॉटेड वाली, और ये काइनेटिक एनर्जी कर्व है, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है तो ये काइनेटिक एनर्जी वाली है सॉलिड लाइन।